देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं का चुनाव हुआ संपन्न। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं का 10 पदों पर चुनाव प्रारंभ हुआ, जहां 2791 अधिवक्ताओं ने अपना मत का प्रयोग करेंगे, जबकि 114 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 19 मई को देखने को मिलेगा। वहीं एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखने को मिला, जहां एक तरफ संघ का मतदान हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। वहीं एक ओर जिला विधिक संघ का चुनाव हो रहा था तो दूसरी तरफ जिला विधिक संघ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चुनाव में धांधली एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जो आमरण अनशन का तीसरा दिन है, जबकि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता कपिल देव कुमार का हालत गंभीर हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं के सवालों पर चुनाव अधिकारी ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू अधिवक्ता नहीं हैं। अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू का लाइसेंस रद्द हो गया है, जिसे आमरण अनशन पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें अभी कुछ 115 प्रत्याशी किस किस पदों के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 पद, महानिदेशक 1 पद, कोषाध्यक्ष 1 पद, विधानसभा विजिलेंस लाइब्रेरी साधारण मेंबर सीनियर मेंबर। ये कितने बजे तक चलेगी ये बोली? 4:30 तक है और ये लेकिन 4:30 बजे तक जो मतदाता लाइन में रहेंगे आ जाएंगे। वोटिंग किन किन को देने का हक है ये? वोटिंग सिर्फ वही देंगे जो जिला विधिक संघ के सदस्य हैं और जिनका नाम जिला विधिक संघ के मतदाता सूची में। कुल 10 पद पे चुनाव है, उसमें से टोटल प्रत्याशी 114 है। बूथ है 8, मतदाता 2791। चुनाव यह भगवान की कृपा से अल्लाह का करम है कि सब लोगों का सहयोग मिलते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो रहा है और अपना सब लोग जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा खुशी अपने। सर आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दे कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं, कुछ चुनाव में भी अनियमितता है, जो मॉडल रूल के अनुसार एक तो चुनाव नहीं हो रहा है, जो इनके समर्थक में है वो वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार हम लोग सत्याग्रह आंदोलन आमरण अनशन पर हैं। हमारी मांग है इन लोगों ने जो पहले से तय किया था टीक वाला, जो आज तक सील मोहर पे बात हो रही थी, उसी सील मोहर से हम लोगों ने कहा था चुनाव करवाइए। अनियमितता तो बहुत सारे हैं, इसके पूर्व भी संजय कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया था वो सारा FIR सब है, सारा लिखित है। हमारी एक मांग नहीं, सारी मांग आप देख सकते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी इतना बता दे कि वो किस मॉडल रूल के तहत मतदान के लिए स्वस्तिक चिन्ह को बदले। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों को नहीं रख सकते। हमारे दोनों जो हैं देख रहे हैं अभी किस स्थिति में है। आमरण अनशन का मकसद था हम लोगों का कि वकील को सही जानकारी दे देना कि ये लोग पूर्वा